गुलबर्गा शहर के मन्नूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में टीबी मरीज की सुपर मेजर सर्जरी कर कामयाबी हासिल की गई है। ये एक ऐसी सर्जरी है जो कल्याण कर्नाटक में पहली बार सक्सेसफुली कामयाब हुई है। बीजापुर डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले 35 साल लबकश पिछले 10 साल से टीबी की बीमारी में बेहद परेशान थे। लगातार 10 साल टीबी जैसी जानलेवा बीमारी से लड़ने में लबकश का राइट साइड लंग खराब हो गया था, जिससे इनकी जान को खतरा था। अक्सर लोग मेजर सर्जरीज के लिए हैदराबाद, बेंगलोर, मुंबई, शोलापुर की तरफ जाते हैं, लेकिन गुलबर्गा शहर में मन्नूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लगातार ऐसे कई मेजर सर्जरीज कर लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर रहा है कि चाहे कोई भी मेजर सर्जरी हो, मन्नूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लिए मुश्किल काम नहीं है। कल्याण कर्नाटका में पहली बार ये मेजर सर्जरी में कामयाबी हासिल कर मन्नूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर फारूक मन्नूर एंड टीम ने प्रेस मीट कर इस केस की तमाम तफसीलात बताई हैं। मजीद जानकारी के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। साल बार टीबी भी थी, काम भी दिक्कत, इलाज नहीं हुआ, मुँह से खून गिरता था। 8 दिन घर में रहने का, 8 दिन दवाखाना जाने का वैसा छोटा था। यहाँ हमारे सर्कल साहब ने दिखा इधर दवाखाना अच्छा है कर बोल को, यहाँ आई हम 1 महीना हुआ, सब ट्रीटमेंट अच्छा चले इधर, सब शराब भी अच्छे हैं, सब जने अच्छे ही। ऑपरेशन एक फेफड़ा खराब है कर बोले थे, निकालेंगे, वो ऑपरेशन हो गए। आने के बाद ठीक हो? हाँ ठीक है, कुछ भी तकलीफ नहीं, क्या भी नहीं, सब अच्छा है। तो बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में पूरा बता, मैं बताए तो भी किधर भी ऑपरेशन नहीं हुआ। तो बेड़गांव जाओ करो बोले मेरे को, बेड़गांव जो बोले तो हमारा साफ पहचानते थे हमारे को, ऐसा बोला मैं, ऐसा ऑपरेशन है क्या करना, बेड़गांव जो बोल रही है, हमारे गुलबर्गा में है दवाखाना, ऐसा दिक्कत तो चलते रहो कल बोल को ट्रीटमेंट मुझे दिला दे। कितने साल से? मेरे को 10 साल से होगा, 10 साल से होगा। तो इधर आके मैं 1 महीना हुआ, बहुत अच्छे से देख ले रहे हैं, बहुत ठीक ठाक है, नीचे आईसीयू में भी बहुत अच्छा दिख रहे हैं, अभी आराम है, आराम है, कुछ भी तकलीफ नहीं है। आपका नाम? आप, मेरा नाम अल्लाह बख्श है, जिंदगी से बीजापुर डिस्ट्रिक्ट सिंधी तालुक से। बीजापुर से? हाँ। मन्नूर हॉस्पिटल के बारे में कौन बोले आप? तो हमारे साहब हैं इधर, शकील साहब करो बोल के, उन्होंने लिखा कि मैं एडमिट कर रहा नहीं बच गई माशाल्लाह। आपकी हिम्मत की बात है कि इतना बड़ा सर्जरी हमारे ऊपर भरोसा करके यहाँ पे कर लिया है ना। हाँ हाँ सर, मन्नूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एक सुपर मेजर सर्जरी हुआ है जो पूरे कल्याण कर्नाटका में फर्स्ट टाइम हुआ है, जो टोटल कंप्लीट लंग रिमूवल, जिसको टोटल निमोनेक्टमी कहते हैं, एक सुपर मेजर सर्जरी इस रीजन में, कल्याण कर्नाटका रीजन में हुआ है, एंड सक्सेसफुली पेशेंट अल्हम्दुलिल्लाह आज डिस्चार्ज होकर जा रहा है। तो एक बहुत ही बड़ी खुशी की बात है कि ऐसे सर्जरीज जो अभी तक गुलबर्गा में नहीं हुए, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इन गुलबर्गा जो ये सर्जरी यहाँ पे हुआ है एंड सक्सेसफुली हुआ है, एंड सक्सेसफुली पेशेंट डिस्चार्ज होकर जा रहा है। अल्लाह बख्श 35-year-old पेशेंट फ्रॉम सिंदगी बीजापुर डिस्ट्रिक्ट से, जो कहीं हॉस्पिटल को गया था, जो हायर सेंटर को रेफ़र किए थे, जैसे कि बॉम्बे जाओ, हैदराबाद जाओ, बेंगलोर जाओ, तो बिकॉज ऑफ हिज नॉन अफोर्डेबिलिटी पेशेंट हमारे पास जब आया था, तो उसको फिर से हमने डायग्नोसिस किया, प्रॉपर डायग्नोसिस जो चाहिए एक पेशेंट को, तो उसको डायग्नोसिस ये किया गया कि उसको पोस्ट टीबी कंप्लीट डिस्ट्रॉयड लंग, फाइब्रोज लंग एंड कोलैप्स्ड कम्प्लीटली, एक लेफ्ट साइड का लंग था, तो एंड पेशेंट हैड कंप्लेंट्स ऑफ हेमोप्टोसिस, जो खून आता है जो थूक में, एंड चेस्ट पेन, ब्रेथलेसनेस, मल्टीपल सिम्टम्स थे पेशेंट्स के, जिसका अल्टीमेट जो है फाइनल डिसीजन ये था कि इसका टोटल लंग रिमूव किया जाए, जिससे कि पेशेंट्स के सिम्टम्स इम्प्रूव हो जाए एंड पेशेंट को जो है ना फिर से एक नई ज़िंदगी दी जाए। तो एक बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग केस था, उस चैलेंज को हम लोगों ने कबूल किया एंड उस सर्जरी में अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल हो गए, एंड आज आपके सामने पेशेंट है, आज डिस्चार्ज होकर जा रहा है। तो यही बताना चाहते हैं कि इतने मेजर सर्जरीज, एक टोटल कम्प्लीट निमोनेक्टमी करना एक छोटी बात नहीं है, तो ऐसा एक बड़ा सर्जरी गुलबर्गा जैसे छोटे शहर में, जो कल्याण कर्नाटका का एक जो इम्पोर्टेंट डिस्ट्रिक्ट माना जाता है, आज ऐसे सिटी में आज ये
ऐसे सर्जरीज हो रहे हैं, तो एक ब्रेक थ्रू सर्जरी मैं कह सकता हूँ ये हमारी टीम की तरफ से। तो इस कंप्लीट डिटेल्स आज हम आपको देने वाले हैं कि किस तरीके से पेशेंट का डायग्नोसिस किया गया, किस तरीके से सर्जरी किया गया, किस तरीके से इस पेशेंट पोस्ट ऑप रिकवरी हुआ है, किस तरीके से अभी पेशेंट अच्छा हो गया, आज खुशी खुशी हंसते हुए जा रहा है। ये कंप्लीट डिटेल्स आपको हम हमारी टीम की तरफ से आज बताएंगे। लगभग पेशेंट जो उनका उम्र जो 35 साल का था, वो हमारे पास जो कंप्लेंट लेके आए वो था कि उनके खांसी में खून आ रहा है। ये अभी 10 दिन 15 दिन से नहीं, बहुत महीनों से था उनको। बहुत जगह भी उनका इलाज हुआ लेकिन खून कम नहीं हुआ था, जो खांसी में हुआ खून कम नहीं हुआ था। तो उनको हिस्ट्री लेने के बाद मालूम हुआ कि पहले उनको 2 बार टीबी अटैक हो गया था। अटैक होके थोड़ा इलाज उतना बराबर नहीं हुआ, तो पेशेंट की तरफ भी थोड़ा नेग्लिजेंस था। गोली लेने के बाद थोड़ा वो भी छोड़े, अच्छा होने के बाद पूरा 6 महीने का कोर्स कम्प्लीट नहीं हुआ वो। तो उसके वजह से क्या हुआ, अगर हम टीबी के कोर्स कम्प्लीट नहीं करते हैं, और कुछ लोगों को अनफॉर्चुनेटली कंप्लीट करने के बाद भी फेफड़े में छाले पड़ते हैं, तोता बोलते हैं ना ऐसा, छाले पड़ते हैं, और छाले से क्या होता है खून आने लगता है। जब हमारे पास पेशेंट आया तो बहुत सीरियस था, खून ज़्यादा आ रहा था, दम था, ऑक्सीजन कम था, तो इंजेक्शन वगैरह सब देके खून थोड़ा कम करे वो। बाद में इसको एक्सरे निकाले तो जो आप लेक्चर देख रहे हैं ना, वो ऑपरेशन से पहले का है, ऑपरेशन के बाद का है, ऑपरेशन के पहले का एक्सरे देख लीजिए। जो दो लेफ्ट साइड जो है ना, वो जिस तरह जो है वो लेफ्ट साइड का है, ओला लेफ्ट साइड का है, जो इस तरफ है राइट साइड का है। राइट साइड का जो है पूरा नॉर्मल है, राइट साइड का, लेफ्ट साइड का जो है पूरा डैमेज हुआ है वो पूरा, ठीक है। ए होने के बाद हम नेक्स्ट सीटी स्कैन कराए पेशेंट का, क्योंकि एक्सरे में सिर्फ 50% मालूम होता है, सीटी स्कैन में ऑलमोस्ट 80-90% मालूम होता है। देख सकते हैं जो इंसान को जो दो फेफड़े रहते हैं, जैसे किडनी दो रहते हैं ना, फेफड़े भी दो रहते हैं, लेफ्ट और राइट। जो ये देख रहे हैं लेफ्ट वाला, ये पूरा डैमेज हो चुका है, ऑलमोस्ट 100% डैमेज है, ऑलमोस्ट 100% लेफ्ट फेफड़ा गया है, ऑलमोस्ट 100%। जो राइट साइड है ए वाला, जो बड़ा वाला है ना, वो नॉर्मल है। वो क्यों बड़ा हुआ है, नॉर्मल से भी बड़ा है, क्योंकि लेफ्ट वाला डैमेज हुआ है। जैसे हम किडनी, एक किडनी डैमेज होता है, दूसरा किडनी जैसे बड़ा हो जाता है, क्योंकि आपका एक हाथ कट गया तो दूसरा हाथ जो मैनेज करता है ना ऐसा, तो लेफ्ट वाला फेफड़ा ऑलमोस्ट 100% गया है पूरा। जो एक वो एक फेफड़े पे ही काम चला रहा था, और जो हमारे प्रॉब्लम क्या आ रहा था कि बार बार खून आ रहा था उनको, वो ट्रीटमेंट देने के बाद थोड़ा कम होता है, बाद में फिर आ रहा था। तो हम क्या करें, नेक्स्ट अभी ब्रोंकोस्कोपी करें। ब्रोंकोस्कोपी मतलब हम, आप एंडोस्कोपी सुने होंगे, हम खाने के पाइप में डालते हैं, कितना एसिडिटी वगैरह जो लगे उनको करते हैं। ब्रोंकोस्कोपी बोले तो हम फेफड़े में जाके जहाँ पे जो अंदर कफा है, जो भी खून है कितना है देखने के लिए, वो पहले वो करें। वो करने के बाद मालूम है कि ऑलमोस्ट 99% लेफ्ट लंग डैमेज हो चुका है। अभी उसको बचा के कुछ अभी फ़ायदा नहीं है, वो निकाले तो ही खून रुकेगा उसका। तो हम नेक्स्ट सर्जिकल टीम को बुलाए और नेक्स्ट सर्जरी करे। वो नेक्स्ट क्या सर्जरी करे, कैसे करे, सर बोलते हैं आपको। मेरा नाम डॉक्टर अरुण कुमार बराड़ है, मैं ऑंको सर्जन हूँ मनोर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। तो ये सारा डायग्नोसिस होने के बाद, जैसे अभी वैभव सर बोले, वो पूरा डायग्नोसिस होने के बाद हमको बुलाया गया सर्जिकल टीम। मैं डॉक्टर अरुण कुमार बराड़ और डॉक्टर हर्ष गोपाल देशपांडे और डॉक्टर फारूक मनोर भी हमारे टीम में थे। तो ये पूरा एवेल्युएशन करने के बाद सर्जरी करना ही पड़ेगा बोल के वो फाइनली डायग्नोसिस हुआ, और सर्जिकल प्लानिंग हम लोग स्टार्ट करें। नियर अबाउट 1 वीक तक हम लोग सर्जिकल प्लानिंग करें कि कैसे एक्सेस लेना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है वेरी सुपरा मेजर सर्जरी, और ऐसा सर्जरी अब तक गुलबर्गा में कभी भी हुआ नहीं है। और इसके लिए जो इक्विपमेंट ज़रूरत पड़ते हैं वो जनरली इधर लोकल में अवेलेबल नहीं रहते, तो बैंगलोर और हैदराबाद से जो है इक्विपमेंट जो भी ज़रूरत है वो सब हासिल करना, वो सब उसको तैयारी करना, वो सब ऑलमोस्ट 1 वीक वी हैड वेरी गुड प्लानिंग। तो देन आफ्टर दैट सर्जिकल प्लानिंग ये सब होने के बाद, देन 1 फाइन डे वी टुक द पेशेंट फॉर सर्जरी। ये पेशेंट का सर्जरी जो है तकरीबन 10 घंटे गया है। वी स्टार्टेड एट अराउंड 2:30 इन द आफ्टरनून, रात को 1 बजे तक ये सर्जरी गया, नियर अबाउट 10-11 आवर्स ये सर्जरी हुआ है। और इट वॉज ए वेरी कॉम्प्लेक्स सर्जरी, क्योंकि इसमें क्या रहता है, लंग्स बिल्कुल हार्ट के नज़दीक में रहता है, हार्ट के जस्ट हार्ट को लग के रहता है, और हार्ट के जो बड़े बड़े नस रहते हैं वो डायरेक्टली लंग्स को एंटर करते हैं। जब भी कोई पेशेंट का एक लंग निकालना बोले तो वो हार्ट के जो भी बड़े बड़े नस रहते हैं उसको टैकल करना बहुत ज़रूरी रहता है, और उसमें थोड़ा भी अगर गलती हो गया, 1 सेकेंड 2 सेकेंड का भी गलती हो गया, तो टेबल पर 2 लीटर ब्लड विद इन सेकेंड्स आ जाता है, और पेशेंट ऑन टेबल डेथ होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो ये सब कॉम्प्लेक्स प्लानिंग के बाद और पूरा डिटेल्ड स्टडी
सर्जरी के बाद वी टुक अप द सर्जरी। सर्जरी ओवरऑल 8 to 10 hours तक गया और इसमें बहुत चैलेंजिंग एस्पेक्ट ये था कि ये पेशेंट को एक लंग पूरा निकालना था और एक लंग कम्प्लीटली बचाना था। तो इसके लिए जो है जो हम ट्यूब यूज़ करते हैं इसको डबल ल्यूमेन ट्यूब बोलते हैं। तो इधर डॉक्टर अनिल कुमार हमारे एनेस्थेटिस्ट बहुत अहम किरदार निभाए हैं, उनके मेजर सपोर्ट के वजह से यह सर्जरी हो पाया और सर्जरी सक्सेसफुली पेशेंट भी डिस्चार्ज हो रहा है। तो ये कॉम्प्लेक्स सर्जरी ऑलमोस्ट 10 hours चला और इसमें और एक बहुत खूब बात है, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है बोले तो ये पेशेंट के लिए जो सर्जरी के लिए स्टेपलर्स बोल के ज़रूरत पड़ते हैं ये तकरीबन 1.5 से 2 lakh तक इसका कॉस्ट रहता है। तो ये पेशेंट गरीब होने के नाते हम बिल्कुल स्टेपलर्स यूज़ किए बिना कम्प्लीटली हमारे स्किल्स यूटिलाइज करके हार्ट से जो भी नस लंग्स को जाते हैं उसको टैकल करके सक्सेसफुली क्लोज किए हैं। अब फर्दर डिटेल्स पेशेंट का सर्जरी होने के बाद रिकवरी पार्ट जो है डॉक्टर अनिल कुमार सर बताएंगे। सर फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम क्रिएट? सर फ्यूचर में पेशेंट को कोई भी प्रॉब्लम होने का चांसेस बिल्कुल नहीं है। अभी कैसा है, एक जो कम्प्लीटली टीबी की वजह से डैमेज लंग था उसको कम्प्लीटली निकाला गया। अब वो लंग निकालने के बाद अगर पेशेंट को फ्यूचर में दूसरे बचा हुआ लंग में अगर टीबी का इन्फेक्शन नहीं होता तो बिल्कुल उसको प्रॉब्लम होने के चांसेस कुछ भी नहीं रहते। वो अगर इन्फेक्शन से अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन करके बिना स्मोकिंग करके बिना कोई टीबी का इन्फेक्शन लगा लेके अगर अच्छी ज़िंदगी करेगा तो लाइफ टाइम ही इज़ नॉट गोइंग टू फेस एनी प्रॉब्लम, बिकॉज सिंगल लंग से ही आदमी अच्छा खासा ज़िंदगी कर सकता है। फिर भी कोई कॉम्प्लिकेशंस होंगे क्या सर? कॉम्प्लिकेशंस अगर उसको कोई भी इन्फेक्शन टीबी के अलावा कोई और छोटे मोटे इन्फेक्शन जैसे फ्लू का इन्फेक्शन हुआ, न्यूमोनिया का इन्फेक्शन हुआ तो तभी थोड़ा कंडीशन सीरियस हो सकता है, बट टाइमली मेडिकेशन लेने से टाइम्सली डॉक्टर्स एडवाइस लेने से जान 100% बच सकती है। मैं डॉक्टर हर्षगोपाल देशपांडे कार्डियोथोरेसिक सर्जन हूँ। मैं फेफड़े और हार्ट का ऑपरेशन करता हूँ। तो जैसे कि डॉक्टर वैभव सर और डॉक्टर मनोज सर और डॉक्टर अरुण सर बोले, पेशेंट को डायग्नोसिस करने के बाद प्लानिंग किए, प्लानिंग करने के बाद ऑपरेशन शुरू किए। ये ऑपरेशन में कम से कम 8 से 10% का चांस ऑफ डेथ रहता है ऑन टेबल बोले तो ऑपरेशन करते वक्त, नहीं तो ऑपरेशन के तुरंत 3-4 दिन में, क्योंकि ये बड़ा ऑपरेशन है। जो फेफड़े को खून मिलता है वो हार्ट के से ही मिलता है, तो हम हार्ट तक जाके वो खून का नली को बांधना है और फेफड़े का जो एंट्रेंस रहता है वो विंड पाइप को भी थोड़ा स्टेपल करके हम पूरा फेफड़ा निकालना है। तो ये बड़ा ऑपरेशन था और शुरुआत में भी हमको एक हड्डी निकालना पड़ा क्योंकि हमको अंदर जाने के लिए जगह नहीं मिल रहा था, तो फेफड़ी का हड्डी निकाल के हम ऑपरेशन शुरू किए। कम से कम 10 घंटे हुआ ऑपरेशन करते वक्त, खून भी ज़्यादा बहा मगर हमारे डॉक्टर अनिल सर अच्छा मैनेज किए ऑपरेशन के टाइम। ऑपरेशन होने के बाद आईसीयू में 3-4 दिन रुके पेशेंट, बाद में अभी ही इज़ फिट फॉर सर्जरी। तो ये बहुत मेजर सर्जरी गुलबर्गा में पहली बार हुआ है तो अच्छा लगा। थैंक यू सर। पेशेंट सर्जरी तक ना है उसके लिए प्रिकॉशंस क्या सर? नहीं, वो पहली दफ़ा वो टैबलेट अच्छा लेना था तो वो थोड़ा इरेगुलर ट्रीटमेंट से वो इन्फेक्शन कम नहीं हुआ तो इसलिए वो फेफड़ा डैमेज हो गया था, इसलिए ऑपरेशन करना पड़ा। सर रिकवरी होने में कितना टाइम लगेगा पेशेंट को? अभी रिकवर्ड है इसलिए घर भेज रहे हैं हम। तो हाँ, रिकवरी अच्छा हुआ है तो एक फेफड़ा नहीं है तो भी काम चला सकते हैं, मगर वही दूसरा इन्फेक्शन नहीं उठा लेना है इसलिए थोड़ा इम्यूनाइजेशन देने वाले हैं उनको, आगे वैक्सीनेशन देने वाले हैं ताकि और कुछ इन्फेक्शन आए तो भी वो थोड़ा इम्यूनिटी मिलता है उसके, क्योंकि एक ही फेफड़ा है अभी, वो भी गया तो नेक्स्ट ऑप्शन लंग ट्रांसप्लांट, वो और मुश्किल काम है। मैं डॉक्टर अनिल हूँ, मनूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल चीफ इंटेंसिविस्ट एंड एनेस्थेटिस्ट हूँ। ये जो केस है टोटल निमोनेक्टोमी, एक्चुअली ये आई थिंक इट्स अ फर्स्ट टाइम इन गुलबर्गा, क्योंकि आदमी जो सांस लेता है यूजुअली 2 फेफड़े रहते हैं। टोटल निमोनेक्टोमी माने एक साइड का पूरा लेफ्ट साइड का फेफड़ा निकालना, इट्स ए बिग टास्क और मे बींग ए सुपरा मेजर केस है। एक्चुअली 8 से 10 घंटे जो चलता है, तो पेशेंट को हम जो मशीन पर डालते हैं वेंटिलेटर पर डाल के जो ऑपरेशन करते हैं, यूजुअली दोनों लंग सांस लेते रहते हैं। जब एक लंग का सांस बंद करके एक लंग का सांस वैसे ही
मेंटेन करके ऑपरेशन करना इट्स ए बिग टास्क, इट्स ए ग्रेट टीम वर्क कार्डियोथोरेसिस सर्जन ने, अंको सर्जन ने और मैं सेल्फ सर रहते, क्योंकि एक ही डॉक्टर से करने के बाद तो नहीं है ये, क्योंकि 5 या 6 डॉक्टर्स का टीम लगता है, क्योंकि लॉन्ग ड्यूरेशन सर्जरी है। ड्यूरिंग द सर्जरी जैसा सर बोल रहे थे हार्ट बगल में ही रहता है, क्योंकि थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया कि हार्ट पे जाने का चांसेस है और सडन पेशेंट ऑन टेबल भी जान जाने का चांसेस रहता है, तो वो सब मायने रखते हुए देख के पेशेंट का जो है ब्लड लॉस ज़्यादा होता है। ये केस में तो मिनिमम 3.5 लीटर का ब्लड लॉस हुआ था, 3 लीटर के ऊपर, यूजुअली बॉडी में ही 4.5-5 लीटर का ब्लड रहता है, उसमें 3.5 लीटर हम ब्लड भी बहा चुके हैं जब निकालते हैं, क्योंकि मेजर जो ब्लड वेसल जाते हैं हार्ट के बगल में लंग, तो ब्लड वेसल जो रहते हैं जो खून के नलियाँ रहते हैं उधर से ही पास होते रहते हैं, तो वो सब मैनेज करके सर्जरी करना इट्स ए ग्रेट टास्क। यूजुअली ऐसे बड़े बड़े सर्जरीज जो है यूजुअली हम मुंबई में देखते हैं, बेंगलुरु में देखते हैं, इवन सोलापुर में भी उतने आई फील इट नॉट डन, तो यूजुअली जो मुंबई जैसे एरिया में, बिकॉज ये क्यों किया जाता है, वी हैव ए गुड आईसीयू बैकअप, गुड इंफ्रास्ट्रक्चर विद ए क्वालिफाइड डॉक्टर्स और सर्जन्स, क्योंकि मेन टीम वर्क मेन है। पोस्ट ऑप जब पेशेंट आईसीयू में रहता है यूजुअली उधर 5 से 6 दिन आईसीयू में मॉनिटरिंग इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उधर भी क्या है हार्ट तकलीफ हो सकता है, कार्डियक हार्ट अटैक हो सकता है, फिर से रिपीटेडली कार्डियोलॉजिस्ट का विजिट भी लगता है, वो सब देख के इन्फेक्शन कंट्रोल करना मेन है, क्योंकि छाती का ऑलरेडी एक पार्ट जो मेजर पार्ट है वही निकाला गया है, लंग निकालना इट्स नॉट ए सिंपल, अभी एक किडनी है तो एक किडनी में बच जाता है वैसा नहीं, तो लंग का जो इंपॉर्टेंट पार्ट है सो वो सब देख के आईसीयू में 5वां दिन पेशेंट वेंटिलेटर से भी बाहर आ गया था, सो 5 दिन तक वो वेंटिलेटर पे थे, ब्लड प्रेशर्स कम था, वो सब मॉनिटर करके रेगुलर एंटीबायोटिक्स देना है, जो रेगुलरली ब्लड रिपोर्ट्स देखना पड़ता है, चेकअप करना पड़ता है, वो सब रखते हुए देख के 5th डे पे वेंटिलेटर से बाहर आया, और एक ट्यूब रखा रहता है ICD बोल के रखते, यूजुअली 8th डे पे वो भी निकाले, क्योंकि डेली ऑपरेशन के बाद भी पेशेंट 1-1.5 लीटर का ब्लड लॉस हो रहा था, वो जाता ही रहता है, वो सब मॉनिटर करने, क्योंकि मिनिमम में पेशेंट को 6 से 7 बॉटल का सफ़ेद खून और रेड कलर दो टाइप कहते हो, तो दोनों RBCs दिए, पैक सेल्स दिए, FAP दिए, वो सब ब्लीडिंग कंट्रोल करने के लिए दिए, वो सब करने के बाद 8th डे पे पेशेंट का जो दूसरा ट्यूब था वो भी निकल गया। यूजुअली ये सर्जरीज जो होते हैं करते वक्त हम नॉर्मल वेंटिलेटर पे डालते वक्त दोनों लंग को जो वेंटिलेट करते हैं नॉर्मल एंडोट्रेकियल ट्यूब बोल के आते हैं, जैसा सर बोल रहे थे डबल लुमेन ट्यूब, जो ट्यूब्स रहते हैं ना अलग टाइप के आते हैं, यूजुअली हम ये बाहर से मंगाए सिर्फ मनूर में मिला जाता है, क्योंकि हम बाहर से हाई एंड सर्जरीज जो करने लगे तब से हम वी आर रेडी टू मैनेज दिस। सो ये जो ट्यूब्स आते हैं दिस आर कॉल्ड डबल लुमेन ट्यूब्स, ये अलग अलग टाइप के आते हैं, इतना बड़ा ट्यूब हम यूजुअली एक ही लंग में डाला जाता है, क्योंकि यूजुअली हम जो नॉर्मल वेंटिलेटर पर छोटा रहता है ट्यूब, इतना रहता है मुंह में डाल के जो रेगुलरली आप देखे होंगे, बट ये कुछ अलग टाइप का ट्यूब आता है, ये डबल लुमेन ट्यूब्स बोलते हैं, ये कई जगहों पे सिर्फ मनूर में, मैं तो गुलबर्गा में देखा हूँ तो मनूर में मिला जाता है, तो वो हम अवेलेबल करें। यूजुअली ये पेशेंट का जब सर्जरी करना 1 हफ्ते से हम एक प्लान करके टीम करके डिस्कस करके, जो स्टेपलर बोल रहे तो इधर नहीं मिलता है, वो 1.5 लाख का स्टेपलर हम सब बेंगलुरु से मंगा लिए, वो सब स्टेपलर मंगाना, ये ट्यूब अरेंजमेंट्स करना, तो एक दिन प्रॉपर एक डे देख के सर्जरी करे, सर्जरी अच्छा से सक्सेसफुल हुआ, पेशेंट वेंटिलेटर से बाहर आया, अभी खाना खा रहा है, चल रहा है, कर रहा है, तो आज उसका डिस्चार्ज प्लान है।